हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त महफूज़ और आप सभी देख रहे हैं ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करंटली पेंडेमिक फैला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका नाम है कोविड-19। तो सभी कुछ बंद है इस बीमारी में और जिम्स भी क्लोज हैं सारे वर्ल्ड वाइड। बट जो फिटनेस एंथुजियास्ट और बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्या करें कि जिम तो जा नहीं सकते हैं और घर पर ही रहकर किस तरह से अपना वर्कआउट कर सकते हैं, तो उसी पर आज मैंने अपनी ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आज 2-टाइम ओलंपिया चैम्पियन फ्रैंको कोलंबो के एक जो होम वर्कआउट था वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप उम्मीद है कि आप ये इसे इंजॉय करेंगे। ये होम वर्कआउट फ्रैंको कोलंबो ने अपनी बुक फ्रैंको कोलंबो बॉडी बिल्डिंग में 1982 में अपनी बुक में पब्लिश करा था। ये भी काफ़ी सिमिलर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के होम वर्कआउट से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैमस्ट्रिंग से, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने मिड सेक्शन पर, अपने एप्स पर, और उसके बाद फिर हम अपनी चेस्ट पर फोकस करेंगे। यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि चेयर पुशअप्स, लंजेस एंड फॉरवर्ड बेंड्स और बिटवीन डोर प्रेस। इसके बाद जब हम ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद हम एक हाई इंटेंसिटी का कार्डियो वर्कआउट करेंगे। यहाँ पर जो फ्रैंको ने रिकमेंड करा है 3 से 5 बार ये वर्कआउट एक हफ्ते में करने के लिए बोला गया है, और ये आपके डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है और आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस क्या है। इसमें टाइम और लाइफ स्टाइल भी मैटर करता है। यहाँ पर जो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे वो होगी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। उसमें हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे और उसमें हम ब्रीथ करेंगे इनहेल और एक्सहेल, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हम एक अपना पैर एक चेयर पर रखेंगे और दोनों लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेच रखेंगे और दोनों हैंड हम ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे और बेंड करेंगे, और अपना जो अंगूठा है पैर का, टो है, उसको हम टच करने की कोशिश करेंगे। यही हम 10 बार रिपीट करेंगे, और इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हम इसमें बाउंस ना करें, उछले ना। यहाँ पर जो हम दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग साइड बेंड। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि अपने फीट अपार्ट करके खड़ा होना है, थोड़ा चौड़े का होकर, और अपने हाथ अपने हिप पर रखने हैं। उसके बाद हमें स्लोली स्लोली एक साइड पर बेंड होना है और फिर ऊपर आना है और फिर दूसरी साइड पर बेंड होना है। ये हमें परफॉर्म करना है एक्सरसाइज। इसके हमें 10 से ईच साइड पर हमें बैंड होना है और इसमें हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है एक साइड से दूसरी साइड आने में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी पहली एक्सरसाइज है एब्स की, जो हमने 3 एक्सरसाइज बताई है, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो है बेंट लेग सिटअप्स। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक बेंच पर लेट जाना है और अपने हाथ अपने ऊपर सीधे करके रखने हैं, घुटनों को मोड़ लेना है और अपने शोल्डर और अपने हेड को उठाना है और अपने जो नीज़ हैं उनको अपनी चेस्ट की तरफ लाना है। और जब हम ये आ जाए एक दूसरे के पास घुटने, तो उनको हमें अपने हाथ से पकड़ना है और अपनी तरफ पुश करना है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। ये हमें एक्सरसाइज 3 सेट करने हैं 15-15 रैप के, और इसको हम रिपीट कर सकते हैं 3 बार। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर जो दूसरी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है बेंट लेग रेज। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि अपनी बैक पर लेट जाना है एक बेंच पर और अपने हाथ जो है हमें अपने पीछे से बेंच को पकड़ लेना है, जिससे कि हमें हमारे एब्स को और हमारी लेग्स को सपोर्ट मिले। और इसमें हमें अपनी लेग्स को अपनी चेस्ट तक उठाना है और इसमें जो हमारे नीज़ होंगे वो बेंड होंगे। और इसमें दोस्तों हमें खाली नीज़ को ही नहीं लाना है, अपने जो हिप्स हैं उनको भी हमें ऊपर रखना है, तो ताकि जिससे कि हमारे एब्स में को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मिले, इससे हमारे एब्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, आप देखना एक सेट करके ही। और ये एक्सरसाइज हमें 15-15 रैप के 3 सेट करने हैं, और इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी लोअर बैक में स्ट्रेन आने का इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत स्लोली स्लोली ये एक्सरसाइज करनी है, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे एप्स को ये कवर करती है, 6 एप्स को कवर करती है ये एक्सरसाइज। लाइंग साइड लेग रेज ये जो तीसरी एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है इस वर्कआउट की। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक साइड पर लेट जाना है अपनी एक साइड से,
और किसी भी अपनी एल्बो को एक किसी बेंच पर सपोर्ट दे देनी है और उससे पकड़ भी लेना है। और फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जो लेग है जो ऊपर की तरफ है उसे हमें स्ट्रेट करके और ऊपर की तरफ उठानी है। ये एक्सरसाइज हम बेंच पर या फ्लोर पर भी कर सकते हैं। इसमें हमें नीचे वाली लेग को अगर हम बेंड कर लेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो अपर लेग को होता है हमें उसको मैक्सिमम स्ट्रेट करके ऊपर तक ले जाना है और नीचे लाते हुए फ्लोर से टच नहीं करना है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है हमारे ऑब्लिक्स के लिए। यहाँ पर जो हमारी पहली एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस की वो है हमारी बिटवीन चेयर पुशअप्स। इसमें हमें दो चेयर लेनी है, उनको साइड बाय साइड रखना है और उस पर एक तरह से पुशअप्स वाली पोजीशन लेकर अपने फीट्स को हमें नीचे रखना है। अगर हम अपने पैर ऊपर रख सकें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत वो भी बहुत अच्छी वेरिएशन हो जाएगी। और इसमें हमें अपना एक तरह के जैसे पुशअप्स होता है उस तरह से हमें इसमें परफॉर्म करना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इसके हमें 3 सेट करने हैं 10 10 रैप के। अगर आप मैक्स ज़्यादा निकाल सकते हैं रैप तो भी कोई बात नहीं है। और इसमें हम अपने फ़ीट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हाथ को भी आगे पीछे और जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी एल्बो के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सरसाइज पेक्टोरल मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा। जैसे कि फ्रेंको ने भी करा है, आप इसे घर में परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यहाँ पर है लंजिस, जो कि हम घर में ईजिली कर सकते हैं। अगर इसमें हमारे पास डंबल हो या वेट हो तो हम उसे अपने हाथ में लेकर भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसे फ्री वेट से भी कर सकते हैं। इसमें हमें दोस्तों करना क्या है, इसमें हमें सीधा खड़ा रहना है, अपने फीट्स को एक साथ रखना है और अपने हाथों को अपने हिप्स के पास रखना है और अपने हेड को इसमें सीधा रखना है, बैक को भी बिल्कुल सीधा रखना है। इसमें हमें क्या करना है, अपना एक कदम आगे रखना है और एक पैर से आगे वाला पैर, और फिर हमें वो जो आगे वाला पैर है उसे बेंड करके हमें नीचे बैठना है जब तक कि हमारा जो पीछे वाला जो नी है वो फ्लोर को टच ना करे। फिर हमें पुश बैक करना है और अपने आगे वाले पैर से और सीधा हो जाना है। सीधा खड़ा होने के बाद जब हमारी लेग सीधी हो जाएगी फिर हमें अपना जो रियर जो हमारा फीट था उसको हमें आगे रखना है और फिर हमें उसको फीट आगे रखकर और फिर सेम उसी तरह से नीचे बैंड होना है और ये सेट परफॉर्म करना है जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसके हमें 3 सेट करने हैं 10 10 रैप ईच के। अगर हम ज़्यादा रैप निकाल सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी फॉरवर्ड बेंड। दोस्तों ये देखने में बहुत ज़्यादा ईजी लगती है बट ये बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है कि सीधा खड़ा रहना है, अपने पैरों को थोड़ा पास रखना है थोड़ा सा दूरी पर और अपने हाथों को बिल्कुल ऊपर सीधा ले जाना है और उसे लाकर फिर हमें नीचे आना है और नीचे आकर अपने टोस को टच करना है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है हमारी हैमस्ट्रिंग और हमारी लोअर बैक के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है और इसके हमें 3 सेट करने हैं 20 20 रैप के। जब इसमें हम ऊपर आएंगे तो अपनी हमें बैक को थोड़ा सा आर्च करना है। दोस्तों इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें फ्लोर को टच करना ही है, इसमें हमें बस अपने टोस के पास तक आना है। ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारे हैमस्ट्रिंग को और हमारे लोअर बैक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और काफ़ी अच्छा हमें इसमें पंप भी फील होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है बिटवीन डोर प्रेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है। दोस्तों ये एक्सरसाइज जब हम छोटे होते थे तो हमने सभी ने अपने घरों में ये करी है। इसमें क्या करना है हमें कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज है, जब अपने एक डोर के पास खड़ा होना है उसकी दोनों तरफ से हमें पकड़ लेना है, मज़बूती से ग्रिप करनी है और थोड़ा सा हमें बेंड होना है और फिर हमें इस तरह से जाना है जैसे कि हम पुशअप्स लगा रहे हों। तो पुशअप्स की तरह हमें पुश करना है और फिर वापस आना है, तो नीचे जाना है और फिर पुश करके ऊपर आना है। और इस तरह से अगर हम करेंगे इससे हमारे जो आर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं, हमारी चेस्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आता है और जो फ्रंट शोल्डर्स हैं दोस्तों, फ्रंट शोल्डर भी इससे काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मसल डेवलप होती है। इसके हम 3 से 3 सेट कर सकते हैं 10 रैप के। यहाँ पर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों वो है रनिंग इन प्लेस, जो कि एक कार्डियो एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोस्तों ये क्वारंटाइन में हम अपने घर में ईजिली कर सकते हैं और इससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है और जो हमारा फैट है वो भी लूज़ होता है।
इसमें हमें करना क्या है दोस्तों कि सीधा खड़ा होना है और रनिंग करनी है अपने हिप जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहीं पर ही। और एक हमें ये एक्सरसाइज सॉफ्टली स्टार्ट करनी है, बहुत आराम आराम से करनी है स्टार्ट। और फिर जब हमें एक बार वार्म हो जाए हमारी बॉडी, उसके बाद हम अपने नीज़ को थोड़ा ऊपर तक ला सकते हैं। और दोस्तों अब इसे हमें काफ़ी ज़्यादा फिर अपनी स्पीड बढ़ा देनी है और अपने नीज़ को काफ़ी ऊपर से ऊपर लेते आना है। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से करना है, इसे बिल्कुल शॉर्ट बस्ट करना है कि हाई इंटेंसिटी की रनिंग। और हमें इसमें एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं जब हम एग्जॉस्ट हो जाएं, और फिर हम दोबारा इसे रिपीट कर सकते हैं। और इसमें हमें अपने स्प्रिंट के जो नंबर हैं उनको बढ़ाते जाना है, या फिर जो सेशन जितने हमने इसमें जितने टाइम के लिए हमने कार्डियो करा था उस टाइम को बढ़ाना है। तो दोस्तों ये रही आज की एक्सरसाइजेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्रैंको कोलंबो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, आर्नोल्ड उनके परम मित्र थे, और 70s में उनका तो जलवा ही रहा है मिस्टर ओलंपिया में। फ्रैंको कोलंबो एक बहुत अच्छी बॉडी थी उनकी, और काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक बॉडी थी और काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक थे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने में बिलीव करते थे वैसे भी उस टाइम के सभी बॉडी बिल्डर। तो फ्रैंको कोलंबो भी उन्हीं में से एक बॉडी बिल्डर थे। दोस्तों ये रहा आज का वर्कआउट।